नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव, क्लास 11th, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है जब आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में नहीं आता। हिंड्रेंस यानी एक रुकावट, स्ट्रेन एक रुकावट या फिर एक टेंशन जो क्रिएट हो जाती है, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस या स्ट्रेन का मतलब बताया। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड लेते हैं हम CH3, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, या यहाँ से ले लीजिए 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है तो, और सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2-ईन, ये तो हो गया इसका नाम, ठीक, पहली बात। लेकिन इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप है, सेम एल्काइल ग्रुप है और दोनों के दोनों एकदम एक ही साइड पर है, तो जब एक साइड पर ही एल्काइल ग्रुप होते हैं सेम, तो वो सिस कहलाया जाता है, तो इसका नाम हो गया सिस ब्यूट 2-ईन। अब देखिए समझने की बात है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होता है, ये अनस्टेबल क्यों होता है। मैं यहां पर इसको बना रही हूं कार्बन, ये है CH3, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर भी है CH3, और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिए कि ये जो CH3 है, इसका जो हाइड्रोजन है और इस CH3 का हाइड्रोजन, ये बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। इनके आपस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों ग्रुप्स के आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो वेंडर वॉल रेडियाई है, जितना इनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए था उससे ज्यादा करीब आ जाने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। अब यहाँ न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑल्सो इनका जो पहला ही शेल है उसमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी इनके बीच में रिपल्शन अच्छा खासा हो जाएगा, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच में बढ़िया रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये सिस है, सिस होने की वजह से सेम ग्रुप सेम साइड में है और करीब आ गए हैं, जैसा कि हमने कहा कि वैन डर वाल रेडियस जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा करीब आ गए हैं, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होने लगेगा, रिपल्शन बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, रिपल्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर इतना रिपल्शन होगा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, हो जाएगा ना अनस्टेबल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर ऐसा कौन होता है जो अनस्टेबल नहीं होता स्टेबल होता है, तो एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सेम यही हम लेंगे, ब्यूट 2-ईन ही लेंगे, ब्यूट 2-ईन में ही हमारे पास आ जाता है ट्रांस। ट्रांस क्या होता है, कार्बन था पहले की तरह, यहाँ CH3 है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक CH3 है, ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो डबल बॉन्ड आना ही है, राइट। अब अगर आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 तभी भी ये ब्यूट 2-ईन ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके पास 4 ही है, लेकिन यहां पर ये और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस ब्यूट 2-ईन। आप जरा यहां देखिए, कार्बन CH3, कार्बन हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, उधर उस डायरेक्शन में है, यहां भी हाइड्रोजन ही है और यहां पर आ गया आपका CH3, राइट। तो ये जो बल्कि ग्रुप था और ये जो बल्कि ग्रुप था, ये दोनों तो बिल्कुल ऑपोजिट ही चले गए ना, तो वो जो मसला ब्यूट 2-ईन सिस में हो रहा था कि वैन डर वाल रेडियाई जितना होना चाहिए था, जितनी इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए था उससे ज्यादा करीब आ गए और फिर रिपल्शन होने लगा, वो तो चांस ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है ना। तो जब क्योंकि चांस नहीं है तो ना तो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये हो जाएगा स्टेबल। इसका मतलब कि जहां कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जहां कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आता है वहां पर स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबल रहता है। स्टेरिक हिंड्रेंस नो स्टेबिलिटी,
और स्टेरिक हिंड्रेंस है तो नो स्टेबिलिटी, अनस्टेबल होगा. स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो स्टेबल होगा. तो अल्टीमेटली स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, जब किसी भी नॉन बॉन्डेड, जो आपस में बॉन्डेड नहीं है, उनके बीच में रिपल्शन होने लग जाए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए, तो उनके बीच में जो एक टेंशन डेवलप होती है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट. अच्छा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस में आप एक शब्द पढ़ेंगे, स्पैटियल क्राउडिंग. स्पैटियल क्राउडिंग, अगर आप ये वर्ड समझ देखें कहीं पे, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल टर्म है. स्पैटियल क्राउडिंग का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे पिछली बार CH3 था, ठीक है ना, तो ये एक बल्की ग्रुप था और ये भी एक बल्की ग्रुप था, तो इन दोनों के बल्की होने की वजह से इनको जिस क्षेत्रफल में नहीं आना चाहिए था वहाँ पर भी चले गए थे. मतलब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कवर नहीं होना चाहिए था वो भी कवर हो गया था, तो एक क्राउडिंग हो गई थी, एक भीड़ सी लग गई थी, जिसकी वजह से इनमें आपस में टकराव हुआ, राइट. तो यस, सो व्हेन टू एटम्स आर क्लोजर देन द सम ऑफ देयर वैन डर वाल रेडियाई, दे इंटरैक्ट, दे रिपेल ईच अदर, एंड दैट रिपल्शन इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस. ऑल्सो दैट रिपल्शन कॉजेज स्पैटियल क्राउडिंग. ये जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख कर ही आए, पर अगर बुक में देखें तो आप समझ जाइए. किसी भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी केमिकल है, एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या मॉलिक्यूल है, उसका पूरा ओरिएंटेशन और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर असर पड़ता है, ठीक है ना. केमिकल रिएक्टिविटी इन द सेंस कि भाई आपने देखा कि अनस्टेबल हो गया, अब अनस्टेबल है तो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा. रिएक्शन स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है. और उसका जो पूरा ओरिएंटेशन, आप लोगों ने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ रखा है, उसमें भी वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. तो आई होप इस छोटे से लेक्चर में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हम स्टेरिक स्ट्रेन भी कहते हैं, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है. चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए. अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, ऊंचा सोचिए और हमेशा अच्छा सोचिए. जो आप सोचते हैं वही आप बन जाएंगे किसी दिन. नमस्कार.